अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शानी मीर थाईलैंड से। व्यूअर्स, आज हमारा चौथा दिन है फुकट में और आज हम इस होटल से चेकआउट करेंगे और जाएंगे पतोंग बीच, आपको दिखाएंगे और उसके बाद दिखाएंगे आपको कि हम जो है एक मोटरसाइकिल वो गाड़ी के पीछे रख के लेके जाएंगे, वो जोया के मामू से ख़रीदा है। तो चलें, हमारा चेकआउट हो गया, आपको दिखाते हैं पतोंग बीच। जी तो व्यूवर्स, आप देख सकते हैं ये पतोंग बीच है, अभी मैं अंदर जाके आपको दिखाता हूँ। तो व्यूवर्स, आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत बीच है ये। इसका भी पानी बिल्कुल वो जो आइसलैंड आपको दिखाया था, दुनिया का सबसे खूबसूरत आइसलैंड, उस जैसा ही पानी इसका ग्रीन ग्रीन है ना, ज़बरदस्त व्यू। ये देखें, ये रोड है, यहाँ पे होटल वगैरह हैं। तो वो लड़की आपको जानी पहचानी लग रही है, असल में इस बीच पे हम पहले भी आए हुए हैं, अभी हम जा रहे हैं वापस घर, तो हमने सोचा चले आपके लिए वीडियो बना देता हूँ, आपको भी दिखाऊँ ये बीच। यहाँ पे जस्की वगैरह भी चलाते हैं लोग, उसके बाद वो एक बलून सा होता है, वो उसके बोर्ड के साथ बांध के बोर्ड को चलाते हैं, उस बीच से वो उड़ता है फिर बलून, वो भी मज़े की चीज़ है, लेकिन इस टाइम टाइम नहीं है, वो नेक्स्ट टाइम चलाएँगे जब आएँगे। तो आप देख सकते हैं काफ़ी सारे लोग स्विमिंग भी कर रहे हैं। अभी हम यहाँ से जाएंगे, जाके मोटरसाइकिल गाड़ी के पीछे रखेंगे, जोया के मामू से ख़रीदी है वो मोटरसाइकिल, तो वो घर लेके जाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं जाके अपने भाई को मिलूँगा, उसे खुदा हाफिज़ बोलूँगा, वो भी आज जो है वो दूसरे शहर में चला जाएगा थाईलैंड के, यानी मुख्तलिफ शहरों में वो भी विज़िट करेगा। आपको करीब से भी दिखाता हूँ, ये देखें किस तरह लहरें आती हैं। व्यूअर्स, आपको बताऊं कि यहाँ पे सुनामी आया था एक बहुत बड़ा, 2008 में आया था शायद, उसकी वीडियोस भी पड़ी हुई हैं यूट्यूब पे। वो जब सुनामी आया था ना, तो ये पानी पहले तो कुछ दिन बाहर आया ही नहीं, ये जो लहरें बाहर आ रही हैं ना, ये बाहर आई नहीं है, सिर्फ पानी अंदर ही जाता रहा, यानी समंदर का पानी पहले अंदर जाता है फिर लहरें बाहर आती हैं इस तरह। तो कुछ दिन जो है समंदर का पानी अंदर जाता रहा, ये सारी खुश्की हो गई थी, यानी पानी बहुत आगे तक चला गया था, तो ये सारा जो है ना ये रेत नज़र आना शुरू हो गई थी, पानी समंदर के अंदर चला गया था, फिर एकदम से समंदर से बाहर आया पानी और ये सब कुछ उड़ा के ले गया था, ये पूरा शहर ही फुकट जो है ये तबाह हो गया था। बहुत ख़तरनाक सुनामी आया था और बहुत ज़्यादा लोग जो है वो उनकी जाने गई थी, ये काफ़ी सारे टूरिस्ट भी यहाँ पर आए हुए थे। इस शहर में मैंने थाई लोग कम देखे हैं, टूरिस्ट ज़्यादा हैं, यानी फॉरनर्स ज़्यादा देखे हैं, थाई लोग सिर्फ वही हैं जो काम शाम करने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। तो इसी तरह वो जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिखाया था ना कि सुबह हम गए थे तो पानी था और शाम को जब वापस आए हैं तो पानी बहुत कम हो गया हुआ था, वो इसी तरह होता है, यानी शाम को पानी जो है ना वो समंदर के अंदर चला जाता है गहराई में, ठीक है, तो खुश्की काफ़ी ज़्यादा नज़र आना शुरू हो जाती है और सुबह को फिर जैसे जैसे सुबह होती है पानी फिर बाहर आ जाता है। तो चलें व्यूअर्स,
तो व्यूअर्स ये है जोया के अंकल का घर, मामू का, और ये ऑफिस है उनका। ओके ओके, यहाँ से हम जो है वो बाइक खड़ी है अंदर, वो लेके जाएंगे। अभी आपको दिखाते हैं, पीछे रखेंगे गाड़ी के। ये दिखा रहे हैं मुझे कैनाबिस लगाया है मैंने, वो जो बांग होती है। What they work about? अच्छा, ये वाइन जो है ना सेल करते हैं होटलों में जाके। ये देखें वाइन और विस्की वगैरह, ये वोडका वगैरह, यानी अल्कोहल सेल करते हैं ये होटलों में जाके। यहाँ पे काफ़ी सारे होटल हैं पुकड़ में, तो वहाँ पे जो है ना ये सारी वाइन वगैरह। ये इनका बिजनेस है जी। मोटरसाइकिल, हाँ ये जया के मामू का मोटरसाइकिल है। ये जाते हैं बाइकर्स के साथ ट्रिप वगैरह पे। और वो है जी हमारा जो हमने खरीदा। ये है जी जो हमने खरीदा। ये अभी इन्हें थोड़ा सा सिर्फ चलाया, सिर्फ 1000 किलोमीटर या 1000 मील, तो ये 40,000 में खरीदा है जया की मम्मा ने। वैसे इसकी कीमत तकरीबन 70,000 है या 80,000 है कुछ। यानी बाट की मैं बात कर रही हूँ। आई वांट टू मेक, เอาขึ้นนั่นเลยเอาขึ้นนั่นเลยI told you that he professional. Yeah, but he told me like he cannot. He told me, can you do? He just want to try. I need why be you? No, I need.तो ये देखें व्यूवर्स, इस तरह से हमने रख लिया। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त करके बंद है, इसके मामू ने हिल भी नहीं सकता ये अब। तो व्यूवर्स, ये वीडियो यही तक की थी। वीडियोस पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस, इंटरेस्टिंग व्लॉग, थाईलैंड के मुख्तलिफ खूबसूरत तरीन इलाके आपको देखने को मिलते रहें। तो व्यूवर्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।